नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर्वे में खतियान बन जाने के बाद उसका सेल डीड या केवाला का क्या सेम वैल्यू होगा। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर्वे का समय है, सर्वे हो रहा है, खतियान बन रहा है, नक्शा तैयार किया जा रहा है। तो खतियान जब रेडी हो जाएगा, जब खतियान तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद यदि मान लीजिए कि उससे पहले मेरा दस्तावेज जमीन रजिस्ट्री का पेपर था, केवाला अर्थात बैनामा ये था, तो उससे सर्वे में खतियान मेरा बन गया, तो वो केवाला और खतियान इन दोनों का सेम वैल्यू होगा क्या? तो दोस्तों उसकी सेम वैल्यू नहीं कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि खतियान जो बन गया, ठीक है, तो एक नंबर पर वैल्यू जो है उस खतियान का होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके दस्तावेज से खतियान तैयार किया गया तो उस दस्तावेज को अब हटा दें, ऐसा भी नहीं करना है। उस दस्तावेज को भी प्रूफ के तौर पर रखना पड़ेगा आपके पास सुरक्षित, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कुछ विवाद होता है तो फिर आपका खतियान किस दस्तावेज के आधार पर बना, कैसे बना, उसका स्पष्टीकरण के लिए आपके पास वह दस्तावेज होना जरूरी होता है। तो उसे भी आप सुरक्षित रखें, और खतियान जो बना वह आपका मूल दस्तावेज कहला जाएगा वर्तमान समय से, ठीक है, क्योंकि सर्वे में खतियान तैयार होता है और जिनके नाम से खतियान तैयार किया जाता है वे खतियान धारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।